सभी श्याम प्रेमी भक्तों को जय श्री श्याम। कैसे आप सब, उम्मीद से बच्चे होंगे। प्रेमियों, काफी ज्यादा संख्या में एक सवाल आ रहा है जो हमें भी परेशान कर रहा है, और हो सकता है जो इस समय वीडियो देख रहे हैं उनके साथ ये घटना जरूर घटित हुई होगी। आप लोगों के हमारे पास मैसेज भी आए, फोन भी आए कि क्या आप 1100 रुपए में अरदास लगवाते हो। तो साफ स्पष्ट शब्दों में बता देना चाहता हूं कि मैं नहीं लगाता। दो शब्द हैं, लगाता। ना तो मैं किसी की अरदास लगाता हूं, ना मैं किसी की अरदास लगवाता हूं 1100 रुपए में। मैं किसी से एक पैसा भी नहीं लेता, ना ही मैं कोई तांत्रिक हूं, ना ही कोई सयाना हूं, ना ही मैं किसी प्रकार की कोई पूछा करता हूं। क्लियर। मैं सिर्फ बाबा श्याम के श्री चरणों का दास हूं, जिसे केवल इतनी सेवा मिली है। बाबा ने कहा है कि आप मेरी नहीं, मेरे प्रेमियों की सेवा करो, उनके पैरों की धूल उठाओ, माथे लगाओ, उसी में आपका काम चल जाएगा। मैं केवल इतनी ही सेवा करता हूं और इससे ज्यादा मुझे कुछ चाहिए भी नहीं। क्लियर। अब कई लोगों के मेरे पास स्क्रीन शॉट आए हैं, उन्होंने दिखाया है मेरी फोटो यूज की गई है डीपी के ऊपर, और उसके अंदर मैसेज आए हुए हैं मेरे ही नाम से कि मैं अशोक कुमार बोल रहा हूं बाबा श्याम के धाम से, अगर आपको अपनी अरदास लगवानी है तो नीचे अकाउंट नंबर भी दिया गया है, जैसे कि फोन पे गूगल पे, आप इस अकाउंट में पैसे डाल दीजिए 1100 रुपए, हम आपके नाम की यहां पूजा करेंगे और फिर आपका जो काम है वो बन जाएगा। एक छोटा सा सवाल आप लोगों से है, आपके सर में दर्द है, डॉक्टर के पास मैं जाऊं या टैबलेट्स मैं खाऊं तो क्या आपको आराम मिलेगा? नहीं मिलेगा। अब अगली बात जो मैं बोलने जा रहा हूं ध्यान से सुनना, हो सकता है यह सवाल काफी लोगों पर ऑब्जेक्शन उठा दे और हो सकता है मुझ पर भी परेशानी खड़ी कर दे, लेकिन बोल लूंगा जरूर। कई प्रेमी क्या करते हैं, जिनके पास थोड़ा सा धन होता है, वो अहंकारवश जाते हैं किसी भी पंडित के पास, ये लो पंडित जी 11,000 21,000 51,000 1,25,000 हमारे नाम से आप पूजा कर दो, पितरों की पूजा कर दो, बाबा श्याम की पूजा कर दो, सुख शांति के लिए पूजा कर दो, हवन यज्ञ आदि कर दो। फिर वही बात घूम कर आई, पूजा किसने की? पंडित जी ने। कहाँ की? पंडित जी आप अपने हिसाब से जहां भी आपको अच्छा लगे वहीं कर दीजिए। कहाँ की? मंदिर में। परेशानी थी तेरी, तूने पूजा भी नहीं की, परेशानी थी तेरी, तूने अपने घर पे भी नहीं करवाई, क्या फायदा मिलेगा भाई तुझको? कोई फायदा नहीं मिलेगा। मेरी किसी भी पीछे की वीडियो को उठाकर आप देख सकते हो, किसी भी वीडियो में मैंने आपसे एक रुपया भी नहीं मांगा है, ना ही कहीं पर यह कहा है कि मैं आपकी अरदास लगाता हूं या लगवाता हूं, नहीं कहा है। मैंने सिर्फ एक बात बोली है कि शाम को आरती के समय मैं केवल बाबा श्याम से इतनी ही बात बोलता हूं कि बाबा श्याम आज दिन में जिन प्रेमियों ने ऑडियो कॉल से, वीडियो कॉल से, फोन करके, कमेंट द्वारा, मैसेज द्वारा किसी भी प्रकार की कोई भी अरदास आप तक पहुंचाई हो तो उसे स्वीकार कर लो। क्यों? आप लोगों के फोन आते हैं, मैं सभी फोन नहीं उठा पाता, वीडियो कॉल भी आती है, ऑडियो कॉल भी आती है, मैसेज भी आते हैं, वीडियो देखकर नीचे कमेंट भी करते हो आप, तो मैं सभी तो नहीं पढ़ सकता। अब भी आपको मेरी आंखों में नींद दिखाई दे रही होगी, सारी सारी रात हम सो भी नहीं पाते, काम चलता रहता है, पूरी टीम अपने काम में लगी हुई है, तो हमारे पास इतना समय नहीं होता कि हम आप सभी के मैसेज देख पाएं, पढ़ पाएं, आप सभी को रिप्लाई कर पाएं, इसके लिए माफी चाहेंगे। लेकिन आरती के समय आप सभी की अरदास बाबा श्याम तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। हो सकता है मैं झूठा हूं, लेकिन मेरा श्याम झूठा नहीं है, वो जरूर सुनता है। हो सकता है मैं झूठे मन से बोल रहा हूं उस समय, लेकिन मेरा श्याम सच्चे मन से सुनता है, आप सभी की अरदास भगवान तक पहुंचती है, ये कन्फर्म है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि मैं लगाता हूं तो पहुंचती नहीं, मैं चाहे झूठे मन से ही वहां खड़ा हुआ क्यों ना बोल रहा हूं, लेकिन मेरे श्याम सच्चे मन से सुन रहे होते हैं, ये कन्फर्म है। आप लोगों के हजारों फोन आए हैं कि बाबा ने मौज कर दी, ये बात मैं लोगों को बताता नहीं, लेकिन इस मजबूरी में इस वीडियो में बतानी पड़ी। अब मुझे इस बात का भी पता है कि आप लोग इस वीडियो को यहीं छोड़कर नीचे मेरा नंबर ढूंढोगे, नंबर नहीं मिलेगा आपको। क्यों?
क्योंकि आप इस वीडियो को आगे नहीं देखोगे, आप फोन करके ये कहोगे कि आज शाम को मेरी अरदास लगा देना। कुछ लोग बोलते हैं कि जब आप अरदास लगाते हो बाबा सुनते हैं, चलो अहो भाग्य है हमारे कि शाम हमारी सुनते हैं। जितना विश्वास आपको इस बात पर है ना कि पंडित जी पूजा करेंगे मेरी पूजा सफल हो जाएगी, पंडित जी मेरी अरदास लगाएंगे मेरी अरदास कबूल हो जाएगी, या मैं आपकी अरदास लगाऊंगा और आपकी अरदास कबूल हो जाएगी, सिर्फ इतना ही विश्वास अपने आप पर करके देखिए कि हाँ मैं मेरे श्याम की सच्ची संतान हूँ, सच्ची औलाद हूँ। और अपने पिता को कैसे खुश करना है, एक संतान से ज़्यादा कोई नहीं जानता, कोई पड़ोसी नहीं बताएगा आपको कि तेरा बाप किस कारण नाराज है। यहाँ एक छोटा सा सवाल और भी है कि बाबा श्याम नाराज होते हैं? बाबा श्याम कभी किसी प्रेमी से नाराज नहीं होते। औलाद चाहे कितनी ही निकम्मी क्यों ना हो, माँ बाप की नज़र में उससे ऊपर उससे बड़ा कुछ नहीं होता। परेशानी कब आती है, जब आप उसको अपना पिता मानने से इनकार करते हो, उसकी उसको अपनी माँ मानने से, उसके साथ कोई रिश्ता बनाने से इनकार करते हो, तब परेशानी आती है। झूठे ही द्रौपदी की तरह एक हाथ साड़ी पर एक हाथ भगवान की तरफ है, नहीं, दोनों हाथ भगवान की तरफ करो, सरेंडर करो, पूरा समर्पण कर दो। कोई नहीं रोक सकता, किसी पंडित के पास किसी तांत्रिक के पास जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ हमारे पास और भी काफ़ी स्क्रीनशॉट आए हैं जिसमें लिखा हुआ है हमारी फोटो ही लगाकर कि हम आपका ये करवा देंगे वो करवा देंगे, सब सरासर गलत है। मेरे पास किसी के पास फोन करने का तो क्या, किसी का रिप्लाई करने का भी समय नहीं है, तो मैं क्या आगे से आप लोगों के पास फोन करूंगा, क्या आगे से मैं आप लोगों के पास मैसेज करूंगा, नहीं है मेरे पास समय। जब कई कई प्रेमियों के साथ तो हुआ होगा कि आप लोगों ने रात को 12 बजे फोन किया और मेरी तरफ से आपको गुस्से में कुछ सुनने को भी मिला होगा कि रात को 12 बजे कौन फोन करता है। तो जब ये देखिए कि हमें सोने तक का समय नहीं मिलता, शरीर देख रहे हो आप, इसके लिए भी समय नहीं मिलता हमारे पास, तो क्या मैं आप लोगों के पास फोन कर सकता हूँ, क्या इतना समय है? ये तो मेरे श्याम की विशेष करुणा है कि मेरे श्याम ने हमें जो सेवा दी है केवल वही हम निभा रहे हैं। हमने किसी से एक रुपया आज तक नहीं लिया है, आगे कभी नहीं लेंगे। हम तो जब आप लोगों के फोन आते हैं ना कि हम बाबा के धाम नहीं आ पाएंगे, हम आपके अकाउंट में 10 रुपये 50 रुपये डलवा देते हैं, आप सेवा में लगा देना, तो भी मैं मना करता हूँ। और मना क्यों करता हूँ, सबसे बड़ी बात बताऊँ, आज तक 26 साल की एज हो चुकी है मेरी, आज तक मैंने कभी भी गूगल पे फोन पे नहीं चलाया है, मेरे अकाउंट्स भी मैं हैंडल नहीं करता, मेरे पास मेरे फोन में नहीं चलती कोई भी चीज। जो नंबर आप लोगों के पास मेरा है वो मेरा पर्सनल नंबर है, इस फोन में एक ही सिम डली हुई है और वही नंबर व्हाट्सएप पे है, वही पर्सनल है, हर जगह सिर्फ एक ही नंबर है। दूसरी बात, मेरे फोन में कोई भी लॉक नहीं है, ठीक है, जो लोग है वो मेरी मजबूरी है। वो मजबूरी क्या है, क्योंकि उसके बगैर फोन नहीं चलता, फोन ने खुद मांगा है कि यहां पैटर्न चाहिए, क्योंकि यूट्यूब चैनल चलते हैं इसके अंदर एज ए सिक्योरिटी, वहां मुझे लोग रखना पड़ता है। और वो लोग जो हमारी टीम मेंबर हैं या जो हमारे घर के सदस्य हैं सभी को पता है, ठीक है, मेरे अकाउंट में जो पैसा आता है वो केवल और केवल यूट्यूब का पैसा आता है और कहीं से कोई ट्रांजैक्शन नहीं होती मेरे अकाउंट में। जब मेरे पास गूगल पे फोन पे, यहां तक कि मेरे पास तो एटीएम भी नहीं है, एटीएम भी नहीं आया है मेरा, एसबीआई का अकाउंट है लेकिन एटीएम नहीं है मेरे पास। जो भी काम होता है डायरेक्ट बैंक में जाकर होता है, बैंक वालों का फोन आया, मैं उनके पास गया, काम हुआ, बस बात खत्म, उसके अलावा कुछ नहीं होता। मैं किसी से कोई पैसा नहीं लेता, ना ही किसी को लेने की सलाह देता हूँ। इसके साथ साथ कुछ प्रेमियों ने क्या किया है, कोई जो अपने खाटू धाम मंदिर के पुजारी हैं श्याम सिंह चौहान या जो भी पुजारी हैं, उनसे क्या उनके नाम की आईडी बनाई हुई है फेसबुक पर, और आप लोग लूटने के लिए तैयार बैठे हो, देख लेते हो श्याम सिंह जी ने रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली, ओहो आगे से उनकी रिक्वेस्ट आई है, ओहो आहो भाग्य हमारे, ये जानते ही नहीं कि उनके पास समय नहीं है भाई। उनके जो अकाउंट्स हैं वो वेरीफाइड हैं, उनके आगे आपको ब्लू टिक मिलेगा, ठीक है, और वो किसी के पास कभी मैसेज नहीं करते क्योंकि उनके पास समय नहीं होता मेरे भाई। कब समझोगे इन बातों को, जब हर तरीके से लूट पिट लोगे तब समझोगे। एक ही बात में हर बात का निचोड़ बता दिया है कि दर्द आपके सर में है तो टेबलेट आपको ही खानी पड़ेगी। और हमारे हरियाणा में एक कहावत है, स्वर्ग चाहिए तो मरना पड़ेगा, ये तो है नहीं कि मरो आप और स्वर्ग चला जाऊं मैं, ऐसा नहीं होगा। ध्यान रखिए, अपने आप को सुरक्षित रखने की जिम्मेवारी किसी और की नहीं, केवल और केवल अपनी है, ठीक है।
अपने आप को सुरक्षित कर लो, समाज अपने आप सुरक्षित हो जाएगा। गलती आप लोगों की है, आप लोग क्यों ऐसे लोगों के झांसे में आते हैं? वो लोग तो अपना काम करते हैं, अपनी मेहनत करते हैं, आपको झूठ बोलकर बहला फुसलाकर आपसे पैसा निकलवाने का काम है उनका, उन्होंने तो अपना काम कर दिया। आप लोग बेवजह ऐसे ही ध्यान रखना किसी इस बात का। जय श्री श्याम।